अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी और मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी। थाना लालकोती क्षेत्र में नालियों के ऊपर बने अवैध निर्माण आज ढा दिए गए हैं। इन इलाकों में बने तमाम छोटे बड़े आशियानों और डेरियों पर बुलडोजर गरज पड़ा। कैंट अधिशासी अधिकारी ज्योति कुमार के मुताबिक लोगों ने लालकोती इलाके में काफी अरसे से नालियों के ऊपर अतिक्रमण किया हुआ था, जिसके चलते नालियां चौक हो रही थी और मोहल्ले में पानी इकट्ठा हो रहा था। इसी की वजह से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा था। हम आपको बताएंगे वहां का पूरा हाल, उससे पहले देखिए कैंट बोर्ड की इस बड़ी कार्रवाई की कुछ तस्वीरें। भैया दरअसल नालियों के ऊपर बने इस अतिक्रमण की शिकायत कई मर्तबा नगर निगम तक पहुंची थी, जिसे संज्ञान में लेते हुए छावनी अधिनियम के अंतर्गत इन सभी लोगों को जगह खाली करने के लिए नोटिस भी दिया गया था। लेकिन नोटिस भेजने के बावजूद भी और अनाउंसमेंट करने के बावजूद भी इन लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया, जिसके फलस्वरूप आज इन्हें ये दिन देखना पड़ा। कैंट बोर्ड ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इन तमाम संपत्तियों पर बुलडोजर गरजा दिया। अपने छोटे छोटे आशियानों का ये हाल देखकर लोग बेहाल हैं। देखिए उनका हाल। सुनिए कैंट बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी ज्योति कुमार से मिली जानकारी। सर, एक अतिक्रमण का कार्य चल रहा है कैंट बोर्ड में, ये लालकुर्ती क्षेत्र में। क्या पूरा मामला है, कितने इसके अंदर मकान ध्वस्त किए जा रहे हैं, कितनी डेयरियां हटी हैं? जी देखिए, लालकुर्ती इलाके में काफी सालों से नालियों के ऊपर अतिक्रमण कर रखा गया था, जिसके कारण नालियां चौक हो रही थी और मोहल्लों में पानी जमा हो रहा था, जिसकी शिकायत मुझे आए दिन प्राप्त हो रही थी। तो इसी को संज्ञान में लेते हुए हमने जो भी अतिक्रमणकर्ता हैं उनको नोटिस जारी किया था छावनी अधिनियम के अंतर्गत, और समय दिया था उनको अपने अतिक्रमण को हटाने का। लेकिन नोटिस देने के बावजूद और अनाउंसमेंट और करवाने के बावजूद कोई अतिक्रमण किसी ने हटाया नहीं जी। तो अभी प्रशासन की मदद लेकर के फिर 8 तारीख को हमने यानी आज के दिन ये पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर के अतिक्रमण को ध्वस्त किया जा रहा है, नालियों पर से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। कितनी डेयरियाँ सर, कितने इसके अंदर मकान आते हैं? अभी एग्जैक्ट तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन जो भी डेयरियाँ हैं उनको हटाया जाएगा लालकुर्ती इलाके में और काफ़ी ध्वस्त कर दिया गया है। थैंक यू। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी और हाँ, चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। टीथ क्लीनिंग, डेंचर, डेंटल ज्वेलरी, फेशियल एस्थेटिक सर्जरी, रूट कैनाल, फ्लैप सर्जरी की दुनिया का अनुभवी नाम डॉक्टर पुनीत कालरा, डॉक्टर शिवानी कालरा, कालरा डेंटल केयर एंड फेशियल ट्रामा सेंटर, आनंद हॉस्पिटल या ओषा कॉम्प्लेक्स, ईवेस्ट चौराहा, मेरठ।